एक छोटा सा टॉपिक कर रहा था, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। इसमें हम लोग सिर्फ दो सेक्शन कवर कर रहे हैं आज से रिकैप में, सेक्शन 70 एंड 71। मैं आपको बताता हूं सेट ऑफ चैप्टर कैसे पढ़ा जाता है। सेट ऑफ चैप्टर बड़ा वाइटल है। मैंने अभी अपनी रिकैप टेक्निक में बस एक सिंपल सी क्वालिटी ऐड की है कि मुझे कुछ पावर नहीं शो करना है, लेट इट बी सिंपल, और लिख लिख के शांति से पढ़ेंगे। बस इससे मुझे लगा कि रिकैप बड़ा शांति से और बहुत स्पीडली हो रहा है, और ज़्यादा एनर्जी लाने के चक्कर में, ज़्यादा जोर से बोलने के चक्कर में स्पीड आश्चर्यजनक बात है ज़्यादा लग जा रही है, ज़्यादा लग जा रही है। स्पीड भी बोल रहे हैं और टाइम भी ज्यादा लग रही है। यहाँ पे लिख लिख के कर रहे हैं तब भी टाइम कम लग रही है। बड़ा ही नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। लिख के करने से ये सब, मेरा एक कोर्स अभी मैंने स्टार्ट किया है 5 मिनट का, ऐसे तुमसे टाइम पास कर रहा हूं, बुद्धा ब्रेन। उसमें हम लोग यही सब पढ़ रहे कि ब्रेन की एफिशिएंसी कैसे पढ़े, और वहीं से हमने निकाला और वहीं से मैंने इसको अप्लाई किया। अप्लाई करके मैं देख रहा हूँ मेरी टाइम भी बच रही है, लिख भी रहे हैं, रिकैप भी अच्छा हो रहा है, बच्चों को भी पॉज मिल रहा है, थकान भी नहीं हो रही है और काम भी जल्दी हो रहा है। नाइस। इस बुद्धा ब्रेन का हम लोग एक सेमिनार कर रहे हैं 10 मई को और 12 मई को। 10 मई का है कि कैन ब्रेन पावर बी इंक्रीज, ये मैं बार बार आपको बताऊंगा। ये बड़ा ही काम का सेमिनार है, सिर्फ 2 घंटे का सेमिनार है ये, और ये सेमिनार है हाउ टू इंक्रीज फोकस। ये दोनों सेमिनार ऑलमोस्ट फ्री में है, जो हमारी फीस है उसका हम लोग 5% भी इसमें नहीं लेंगे। ये कोई 4 घंटे का सेमिनार है, और आप नहीं आ पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर एग्जाम्स तो ठीक है, यू डोंट नीड टू कम, बट यू मस्ट रेफर अदर्स। ये चला जा चुपचाप, बहुत फायदा होगा। इसका हम लोग सिर्फ 49 रुपीज ले रहे हैं, इसका हम लोग सिर्फ 99 रुपीज ले रहे हैं, यू नो, जस्ट एक बच्चों में अवेयरनेस लाने के लिए। और मैंने इसको अप्लाई किया और मेरा बहुत फायदा हुआ है, तुम्हारा भी होगा। तो जिसको भी तुम्हें लगे थी दरकार है भेज देना, दरकार सबको ही है। टॉपिक पे आते हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड बड़ा ही विशाल टॉपिक है। इसमें एक सेक्शन है 70, 71, एक सेक्शन है, ये सब सेट ऑफ के सेक्शन है, और कैरी फॉरवर्ड के सेक्शन है 71B, 72, 73, 74, 74A। तो 1, 2, 4, 6, 7, ये 7 सेक्शन का ये प्रोविजन है। इसको हम लोग चैप्टर 1 कह रहे हैं, और एक इसका और पार्ट है जो किताबों में सेट ऑफ के साथ ही दिया रहता है, लेकिन मैं उसको बोलता हूं रिकंस्ट्रक्ट या बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग। इसमें आ जाते हैं अमालगमेशन के प्रोविजंस, डीमर्जर के प्रोविजंस, सक्सेशन के प्रोविजंस, क्लोजली हेल्ड कंपनी के प्रोविजंस, डिजोल्यूशन ऑफ फर्म के प्रोविजंस। इसको हम लोग आज नहीं कर रहे हैं, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग। ये फाइनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटर वालों के लिए ठीक ठाक टॉपिक है। अभी हम लोग जो रिकैप करने के प्लान में है वो है इसका 70, 71B, 72, 73, 74A। ठीक है, ताकि ये टॉपिक आपको बेसिक बर्डन सब नहीं लगे। होता क्या है, बच्चे इसके साथ इसको पढ़ लेते हैं, ये बहुत स्ट्रांग है, तो बच्चों को फिर पूरा सेट ऑफ चैप्टर ही खराब लगने लग जाता है। हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और ये बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एक्सक्लूडिंग बिजनेस रीस्ट्रक्चर। इसमें पहले आइए आप सेट ऑफ चैप्टर करिए, 2 पार्ट हो गया ना, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड
तो इसमें आप पहले आइए, सेट ऑफ करिए। सेट ऑफ में सिर्फ दो सेक्शन है, 70-71। कैरी फॉरवर्ड में चार सेक्शन है, चार पांच सेक्शन है। छह सेक्शन है, सात सेक्शन है। आइए पहले आप आइए सेट ऑफ में आइए। सेट ऑफ में दो सेक्शन है, 70 डील्स विथ इंट्रा हेड एडजस्टमेंट और 71 डील्स विथ इंटर हेड एडजस्टमेंट। 70 कहता है कि इंट्रा हेड एडजस्टमेंट इज जनरली अलाउड, यानी आपस में कोई भी सेट ऑफ करना चाहो कर लो, जनरली अलाउड एक्सेप्ट। ये कुछ पॉइंट है जहां पे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है। नंबर वन, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली विथ स्पेकुलेटिव इनकम, ओनली विथ स्पेकुलेटिव इनकम, यानी स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, ये पीसीबीपी हेड का मामला है और इसका लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव इनकम के साथ ही सेट ऑफ होता है। दूसरा, एओएमआरएच लॉस, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, इसका भी लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली विथ एओएमआरएच इनकम। ये आईफॉस का मामला है। लॉसेस फ्रॉम बिजनेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35AD कैन बी सेट ऑफ ओनली विथ स्पेसिफाइड, कैन बी सेट ऑफ ओनली विथ स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 35AD। ऑब्वियसली ये पीजीबीपी का मामला है। आपको याद होगा पीजीबीपी में सेक्शन 35AD एक सेक्शन है जहां पे कोई 15-16 बिजनेस के नाम दिए हुए हैं, वो क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, क्रॉस कंट्री पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एग्रो वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन फैसिलिटी, स्लम डेवलपमेंट, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज ऑफ शुगर, ये सब स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस सिर्फ इन्हीं स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के साथ ही सेटअप होते हैं। नंबर फाइव, नंबर फोर, नंबर फोर, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली विथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ऑब्वियसली कैपिटल गेन का मामला है। नंबर फाइव, कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम कैन नॉट बी यूज फॉर सेट ऑफ, कैजुअल इनकम से कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होता। कैजुअल इनकम में लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेमिंग, इन सब से कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होता। नंबर सिक्स, एग्जेम्प्टेड बिजनेस, एग्जेम्प्टेड इनकम या लॉस कैन नॉट बी यूज फॉर सेट ऑफ। तो यदि आपका एग्रो इनकम आ जाए या एग्रो लॉस आ जाए तो ये किसी के साथ सेट ऑफ नहीं होंगे। आई होप ये सारे प्रोविजंस क्लियर। ये छह पॉइंट है, ध्यान रखिए, इनको छोड़ के बात बात ही इंट्रा हेड सेट ऑफ अलाउड है। अब इन छह पॉइंट को याद कराने के लिए हमने कितनी मेहनत की है वो देखिए। हमने बोला कि पीजीबीपी के दो पॉइंट, आईफॉस का एक पॉइंट, कैपिटल गेन का एक पॉइंट, ये तो कैजुअल इनकम आईफॉस का मामला है। तो ये पांच पॉइंट आप ऐसे धर लीजिए और यहां पर आप एग्रो लिख दीजिए तो आपको याद रहेगा कि कोई भी एग्जेम्प्टेड इनकम या एग्जेम्प्टेड लॉस सेट ऑफ में काम नहीं आता। ठीक है, जो हमसे क्लास लिए हुए उन्हें पता है ये संत है, ये संत है, ये संत है, और ये सब क्या है, ये सब संत ही है और क्या है, ये सब प्राउड है और ये एलियन है। ये सब हमने उनको नाम दिया था याद कराने के लिए।
स्पेकुलेटिव लॉस आपका है 10 लाख, स्पेकुलेटिव इनकम है आपकी 18 लाख, सेट ऑफ हो जाएगा, आपकी इनकम मानी जाएगी 8 लाख। आपका स्पेकुलेटिव लॉस 10 लाख, आपकी टेक्सटाइल बिजनेस की इनकम है 18 लाख, आपका सेट ऑफ नहीं होगा, आपकी इनकम मानी जाएगी 18 लाख। आपका स्पेकुलेटिव इनकम है 18 लाख और टेक्सटाइल बिजनेस में आपको लॉस है 10 लाख, आपका सेट ऑफ हो जाएगा और आपकी इनकम मानी जाएगी 8 लाख, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन है ना वो स्पेकुलेटिव लॉस के ऊपर है, स्पेकुलेटिव इनकम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वैसे ही यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 18 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 10 लाख, तो ऑब्वियसली सेट ऑफ हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 18 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 18 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 10 लाख, सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 10 लाख और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 18 लाख, तो सेट ऑफ नहीं होगा, आपकी इनकम मानी जाएगी 18 लाख। बात क्लियर? रिस्ट्रिक्शन जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के ऊपर है, इनकम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता, इनकम सेट ऑफ हो सकती है। हाँ, सेक्शन 71 में चलिए। इंटर हेड सेट ऑफ, इसमें एक अमेंडमेंट भी है इस साल। प्रोविजन क्या बोल रहा है? प्रोविजन बोल रहा है भैया पहले 6 पॉइंट सीखे थे, अभी 8 पॉइंट सीखो। वैसे भी ये याद दिला रहा है 7 और 1 8 नजर आ रहा है, 7 और 1 8, तो 8 पॉइंट है इसमें, पहले 6 पॉइंट रिपीटेड है। स्पेकुलेटिव लॉस रिपीटेड है, मैं फिर भी लिख रहा हूं, कैन बी सेट ऑफ ओनली विथ स्पेकुलेटिव इनकम। आप भी मेरे साथ साथ दोबारा बोल लीजिए, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली विथ एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज इनकम। नंबर 3, 35 AD बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली विथ 35 AD बिजनेस इनकम। भैया जब ये आपस में ही दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ नहीं हो रहे हैं तो दूसरे हेड के साथ कहां सोचिए? एक ही हेड पीजीबीपी हेड में ही टेक्सटाइल बिजनेस स्पेकुलेटिव लॉस सेट ऑफ नहीं हो रहा है, तो वो स्पेकुलेटिव लॉस हाउस प्रॉपर्टी के साथ कैसे सेट ऑफ हो जाएगा? जो अपने परिवार का ही नहीं हो रहा है वो दूसरे का क्या हो जाएगा? नंबर 4, कैजुअल इनकम कैन नॉट बी यूज फॉर सेट ऑफ। कैजुअल इनकम से कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होता। नंबर 5, नॉन टैक्सेबल इनकम, एग्जम्प्टेड बोल दो इसको, नॉन टैक्सेबल इनकम एग्जम्प्टेड लॉस कैन नॉट बी यूज फॉर सेट ऑफ। तो भैया देख लो, मैंने 5 पॉइंट एज इट इज रिपीट किया है विदाउट आलस, ठीक है। छठे पॉइंट पाइए, पॉइंट नंबर 6 कहता है कि कैपिटल गेन हेड का लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ विथ अदर हेड इनकम। ये स्टूडेंट को बहुत परेशान करता है एग्जाम हॉल में, चेक करिए आप। अब देखिए, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 10 लाख का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 12 लाख का, और आपके हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है 20 लाख की, तो ये बात तो ऑब्वियस है, जो लॉस अपने हेड के साथ सेट ऑफ नहीं हुआ वो दूसरों के साथ क्या तो सेट ऑफ होगा, तो आपकी इनकम मानी जाएगी 32 लाख, नो सेट ऑफ।
दूसरा लो, आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 10 लाख, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 12 लाख, और आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है 20 लाख। तो आपको पता है ये लॉस तो इसके साथ सेट ऑफ हो जाएगा, तो आपकी लॉस अब बची 2 लाख की, लेकिन ये 2 लाख का लॉस दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। अब ये पॉइंट काम आ रहा है कि कैपिटल गेन हेड में चाहे शॉर्ट टर्म लॉस हो या लॉन्ग टर्म लॉस हो, वो किसी और हेड की इनकम के साथ तो सेट ऑफ हो रहा ही नहीं, हो रहा ही नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल हेड में भी लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल हेड में भी लॉस है, और हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है। कैपिटल गेन हेड का लॉस किसी दूसरी हेड के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। बच्चे इसमें बहुत परेशान होते हैं, इसलिए हमने इसलिए कॉन्सेप्ट बनाया हमारा परिवार। हमने कॉन्सेप्ट दिया कि हमारे परिवार में 2 लोग हैं, बड़े लोग छोटे लोग। बड़े अपने लॉस छोटे को नहीं देते, छोटे अपने लॉस बड़ों को दे देते हैं। लेकिन हमारे परिवार में छोटा हो या बड़ा हो, किसी को भी लॉस हो जाए, वो जाके दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ नहीं करेगा। अपना लॉस वो किसी पड़ोसी को नहीं देगा। और हमारे परिवार की खासियत हो, यदि हमारे पास सक्षमता है तो पड़ोसी का लॉस सेट ऑफ करेंगे। बात क्लियर? इस कॉन्सेप्ट से आपको कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट याद रहेगा। ये चारों पॉइंट दिमाग में रखिएगा। चलो आगे बढ़े। आई होप सबको सब क्लियर, किसी को मन में कोई डाउट नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, चलो आगे बढ़े। अब हम लोग आ रहे हैं, ये 6 पॉइंट हमने रिपीट कर लिए, अब 7 8 दो नए पॉइंट बचे। 7वां नंबर पॉइंट, पीजीबीपी लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ विथ सैलरी, कैन नॉट बी सेट ऑफ विथ सैलरी। सैलरी में तो लॉस होता ही नहीं है, पीजीबीपी का लॉस है तो सैलरी के साथ सेट ऑफ नहीं होता। 8वां एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी में अमेंडमेंट है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी सेट ऑफ विथ अदर हेड इनकम, विथ अदर हेड इनकम मैक्सिमम अप टू 2 लाख। तो तुम पूछोगे सर इसमें अमेंडमेंट क्या है, ये तो पहले से था। अमेंडमेंट ये है कि इन न्यू रिजीम एचपी लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ विथ अदर हेड इनकम, विथ अदर हेड इनकम। तो ओल्ड रिजिम में तो ये है कि भैया एचपी लॉस कैन बी सेट ऑफ विद अदर हेड इनकम मैक्सिमम अप टू 2 लाख। न्यू रिजिम बोलता है कि यदि आपने न्यू रिजिम ऑप्ट कर ली है तो एचपी लॉस दूसरे हेड की इनकम के साथ 1 रुपए का भी सेट ऑफ नहीं लेगा। कुछ नोट्स दिमाग में रखिए, नोट्स। फर्स्ट अप्लाई सेक्शन 70 देन 71। जब तक 70 अप्लाई नहीं हो जाता आप 71 नहीं कर सकते। फर्स्ट अप्लाई सेक्शन 70 देन ओनली 71। आगे बढ़े। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, सेट ऑफ इज मैंडेटरी। ऐसा नहीं है कि आप सेट ऑफ नहीं कर रहे हो और सीधा कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होता। सेट ऑफ इज मैंडेटरी, विदाउट सेट ऑफ नो कैरी फॉरवर्ड।
विदाउट सेट ऑफ, जब तक सेट ऑफ पूरा नहीं हो जाता तब तक कैरी फॉरवर्ड की सोचिए भी मत, नो कैरी फॉरवर्ड। सर नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। सपोज आपका पीजीबीपी में लॉस है 3 लाख और आपकी हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है 4 लाख, आप यदि सेट ऑफ मारते हो तो आपकी टोटल इनकम है 8 लाख, आप सेट ऑफ नहीं मारते हो तब भी आपकी टोटल इनकम है 4 लाख। तो आप बोलेंगे मुझे सेट ऑफ नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी टैक्स 0 ही आना है और यहाँ पे भी टैक्स 0 ही आना है। तो आप बोले मुझे सेट ऑफ नहीं चाहिए, मैं सीधा कैरी फॉरवर्ड चाहता हूँ, तो लॉ बोलेगा ना ना सेट ऑफ हो सकता है तो सेट ऑफ करना मैंडेटरी है, आप सीधा कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बात क्लियर? अब एक छोटा सा इलस्ट्रेशन करिए क्योंकि इसके बिना टॉपिक ही इनकम्प्लीट है। आइए फटाफट आइए। सपोज आपकी सैलरी इनकम है 50 लाख, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी से इनकम है 10 लाख और दूसरी प्रॉपर्टी में लॉस है 18 लाख। आपके टेक्सटाइल बिजनेस से आपको प्रॉफिट है 10 लाख और आपके स्पेकुलेटिव बिजनेस से आपको लॉस है 12 लाख। आपकी AOMRH एक एक्टिविटी से आपको इनकम हुई है 5 लाख और आपकी दूसरी एक्टिविटी से आपको लॉस हुआ है 6 लाख। आपकी लॉटरी इनकम लगी है 20 लाख की, आपकी इंटरेस्ट इनकम है 4 लाख का और आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में लॉस है 10 लाख और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इनकम है 8 लाख। आपसे पूछा जा रहा है आपकी टोटल इनकम कितनी, साथ में हो साथ में? तो भैया पहले आप सैलरी हेड में आइए, सैलरी हेड में आइए, सैलरी हेड में इनकम आदि बाहर लिख दीजिए, फिर आप हाउस प्रॉपर्टी हेड में आइए, एक प्रॉपर्टी में इनकम है दूसरे प्रॉपर्टी में लॉस है तो आपका 8 लाख का लॉस हो रहा है, लिटरली 8 लाख का लॉस हो रहा है। हम लोग मान लेते हमने ओल्ड रिजीम ऑप्ट किया है तो आप मैक्सिमम 2 लाख लॉस बाहर ले आ सकते हो, मैक्सिमम 2 लाख का लॉस बाहर ले आ सकते हो और बाद बाकी आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 6 लाख का लॉस। हाँ क्या? ओके अगले मैं आपका पीजीबीपी में टेक्सटाइल बिजनेस में आपको प्रॉफिट है 10 लाख की और स्पेशलिटी बिजनेस में लॉस है 12 लाख का, सेट ऑफ हो जाएगा क्या? नहीं, 10 लाख ही होगा और आप अपना स्पेकुलेटिव लॉस उठाइए और कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। ये कैरी फॉरवर्ड है, ये आपका फाइनल कॉलम चल रहा है। अब आइए आपका कैपिटल गेन हेड में, कैपिटल गेन हेड में लॉन्ग टर्म कैपिटल में लॉस 10 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इनकम है 8 लाख, सेट ऑफ हो जाएगा क्या? नहीं, आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। अब आइए आपकी हाउस प्रॉपर्टी हो जाए, हाँ सब हो जाए। अब आइए आपके आईपॉस हेड में, AOMRH में आपका इनकम है 5 लाख, AOMRH 2 में आपका लॉस है 6 लाख, सेट ऑफ हो जाएगा? हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, लेकिन ये 8 लाख यहां नहीं आएगा क्योंकि और किसी के साथ ये सेटअप होगा नहीं, तो आप अपना AOMRH का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए 1 लाख। लॉटरी से आपकी इनकम है कोई पाई नहीं है, बाहर लिख दीजिए, इंटरेस्ट इनकम है कोई बात नहीं बाहर लिख दीजिए, तो ये आपकी सारी इनकम हमने डाल दी। अब इसी टोटल मारे, सिर्फ एक लॉस है HP लॉस, किसके साथ सेटअप हो सकता है? किसी के साथ भी, सैलरी के साथ भी हो सकता है, पीजीबीपी के साथ भी हो सकता है, कैपिटल गेन के साथ भी हो सकता है, इंटरेस्ट के साथ भी हो सकता है, जिसके साथ आपका मन है उसके साथ सेट ऑफ करिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है क्योंकि सेट ऑफ इज जनरली अलाउड, खाली जहां मना है वहां पे मना है, कैजुअल इनकम के साथ आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो भैया टोटल मार दे, टोटल मार दो, सैलरी के साथ सेट ऑफ मारा 48, 10, 8, 18, 20, 24, 90 लाख आपकी इनकम मानी जाएगी।
आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर। एक सम इसके ऊपर और होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर से वही चीज, इस बार डेटा थोड़ा चेंज कर देते हैं, डेटा थोड़ा चेंज कर देते हैं। इस बार सैलरी हम लोग ले लेते हैं 60 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 1 20 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 2 25 लाख, टेक्सटाइल बिजनेस लॉस, स्पेकुलेटिव इनकम इनकम, UMRH -5 +6, लॉटरी इनकम। लॉटरी इनकम 10 लाख, इंटरेस्ट इनकम 1 लाख, LTCG 10 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 15 लाख। आओ इसे हैंडल करें। सबसे पहले सैलरी हेड को बाहर ले दीजिए, 60 लाख। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में आइए, HP1 से आपको इनकम हुआ है 10 लाख, HP2 से आपको लॉस हुआ, साथ साथ बोलते जाइए। ओहो गलत ले रहा हूं, 20 और 25, 20 और 25, 5 लाख का लॉस हुआ है। आप मान लीजिए आप ओल्ड रिजिम में हो तो 2 लाख बाहर और 3 लाख कैरी फॉरवर्ड, ओल्ड रिजिम में हो तो, न्यू रिजिम होता तो 5 लाख बाहर। अब आ जाइए PGBP, टेक्सटाइल बिजनेस में आपको लॉस हुआ है, इस लॉस को मैं बढ़ाता हूं 70 लाख करता हूं, तो टेक्सटाइल बिजनेस में आपको लॉस हुआ है 70 लाख, स्पेकुलेटिव बिजनेस में आपकी इनकम हुई है 15 लाख, सेटअप हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आ गया 55 लाख लॉस। इसी के साथ भी सेटअप हो सकता है, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। अब आइए कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 15 लाख, तो आपकी 5 लाख की लॉस है। ये आप किसी और के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 5 लाख कैरी फॉरवर्ड। कैपिटल गेन के बाद आइए IFOS, AMRH1 में आपकी इनकम है लॉस, और AMRH2 में आपकी इनकम है 6 लाख, 1 लाख बाहर ले लीजिए, इंटरेस्ट इनकम बाहर ले लीजिए, लॉटरी इनकम बाहर ले लीजिए, याद या बाहर का जलवा। बाहर में आपका 2 लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस और PGBP लॉस, जिसको किसके साथ सेट अप कराएंगे फटाफट डिसीजन लीजिए। सबसे पहले PGBP का डिसीजन लीजिए, या PGBP सैलरी के साथ सेटअप हो सकता है, तो आंसर इज नो। क्या सोच क्या रहे हो, हाँ सोच क्या रहे हो, साफ साफ लिखा हुआ है PGBP लॉस कैन नॉट बी सेट अप विद सैलरी, तो PGBP लॉस सैलरी के साथ सेटअप हो नहीं सकता। तो अब ये बेचारा अपना कटोरा लेके कहां जाएगा, यहां आएगा। क्या AMRH के साथ सेटअप हो सकता है, आंसर इज हो सकता है। AOMRH का सिर्फ लॉस रिस्ट्रिक्टेड है, प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ सेटअप कर लो। तो 1 लाख का लॉस इसके साथ सेटअप हो गया, खत्म। इंटरेस्ट के साथ सेटअप हो सकता, आंसर इज यस, जनरली सेटअप इज अलाउड। लॉटरी के साथ सेटअप हो सकता, आंसर इज नो। अब एक कटोरा लेके जा रहा है कि मेरे पास अभी भी 53 लाख का लॉस है, 53 लाख का लॉस है, भाई तुम सेट ऑफ कर दो, बोलता ना, बोलता भाई तुम सेट ऑफ कर दो, बोलता ना। तो PGBP लॉस 53 लाख का कैरी फॉरवर्ड। अब हाउस प्रॉपर्टी लॉस लेके आओ, ये 2 प्रॉफिट जा चुकी है। अबे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस क्या कैजुअल इनकम के साथ सेटअप हो जाएगा, नो। क्या सैलरी के साथ सेटअप हो जाएगा, यस। तो फाइनली इसके साथ सेटअप हुआ।
अब ये बचा 58 लाख, 58 लाख और 10, 68 लाख इज योर टोटल इनकम। तो फाइनली आपकी टोटल इनकम आ गई 68 लाख, बिना दो सम के, बिना इन दो सम के सेट ऑफ चैप्टर इनकम्प्लीट। तो हमने बड़े प्यार से ये दोनों सम कर लिए। अब आगे बढ़िए, हम लोग टॉपिक में आ जाए कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड में कई सारी है, 71B ये डील करता है हाउस प्रॉपर्टी लॉस से, 72 ये डील करता है पीजीबीपी लॉस से, 73 ये डील करता है स्पेकुलेटिव लॉस से, 73 ये डील करता है 35AD लॉस से। ध्यान देना ये तीनों पीजीबीपी लॉस है। हाँ, 74 ये डील करता है कैपिटल गेन लॉस से, 74A ये डील करता है एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज लॉस से, और 32(2) ये डील करता है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन से। तो ये भी मोटा मोटी पीजीबी का ही पार्ट है। इन सब का कैरी फॉरवर्ड का क्या नियम है? हाउ मेनी इयर्स कैन इट बी कैरी फॉरवर्ड? हाउ मेनी इयर्स कैन इट बी कैरी फॉरवर्ड? तो आंसर इज हाउस प्रॉपर्टी लॉस 8 साल तक, पीजीबीपी लॉस 8 साल, स्पेकुलेटिव लॉस 4 साल, 35AD लॉस 4 साल, कैपिटल गेन लॉस 8 साल। 35AD लॉस 4 साल, पाप हो गया। 35AD लॉस एनी नंबर ऑफ इयर्स, AOMRH लॉस 4 साल, और 32(2) अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एनी नंबर ऑफ इयर्स। आई होप आप साथ साथ बोल पाए, है ना। नेक्स्ट, आफ्टर कैरी फॉरवर्ड कैन बी सेट ऑफ विच इनकम? कौन सी इनकम के साथ सेट ऑफ होगा? तो आंसर इज सब में एक ही बात है, अपना अपना इनकम, अपना अपना हेड का इनकम, अपना अपना हेड का इनकम। यानी हाउस प्रॉपर्टी लॉस सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के साथ, पीजीबीपी लॉस सिर्फ पीजीबीपी के साथ, स्पेकुलेटिव लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव इनकम के साथ, 35AD लॉस सिर्फ 35AD इनकम के साथ, कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ, शॉर्ट टर्म लॉस शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों के साथ, AOMRH सिर्फ AOMRH के साथ। ये है इकलौता एनी इनकम के साथ सेटअप हो जाएगा, एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल इनकम जो पिछले समय अपने देख रहे थे, है ना। तो कौन किसके साथ सेट ऑफ होगा? ये सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के साथ, ये सिर्फ पीजीबीपी के साथ, ये सिर्फ स्पेकुलेटिव इनकम के साथ, ये सिर्फ 35AD इनकम के साथ, इसमें लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म के साथ, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों के साथ, और ये सिर्फ AOMRH के साथ। क्या टाइमली रिटर्न भरना पड़ेगा, ऐसी कोई कंडीशन है? तो आंसर इज लॉस तभी कैरी फॉरवर्ड होते हैं जब टाइमली रिटर्न भरा जाता है। लॉस तभी कैरी फॉरवर्ड होते हैं जब टाइमली रिटर्न भरा जाता है। ये बात सब पे अप्लाई होती है, एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी लॉस एंड अनअब्जॉर्ब्ड एप्रिसिएशन। बात ही टाइमली रिटर्न भरना पड़ेगा। टाइमली रिटर्न भरेंगे तभी आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, ठीक है। तो भैया हमें अभी हार्डली कोई और 30 मिनट या 20 मिनट ले दिए होंगे, हमने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड को भी बाइज्जत कर लिया, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या नहीं किया है, अभी हमने बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग नहीं किया है, वो एक अलग चैप्टर है। तो आज हम लोग एक छोटी क्लास ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक घंटे की करीब की क्लास, दैट वी हैव डन। नेक्स्ट क्लास कल है पीजीबीपी, आज जितनी टाइम बची है कल वहां पे लग भी सकती है। कल पीजीबीपी है, टारगेट तो यही है कि 2-2.5 घंटे में पूरा सुना दूंगा, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, तो 3 घंटे का आप मेंटली प्रिपेयर्ड उठाइए कि कल पीजीबीपी है। जो तुम्हारे बंधु
इसकी रिकॉर्डेड क्लास देने की सोच रहे हैं, उन्हें बताओ 3 घंटे की रिकॉर्डेड क्लास, वो भी स्पीड में, देखने में बहुत जोर आएगा। तो पीजीबीपी जैसे टॉपिक के साथ नो खिलवाड़, लाइव आना और जरूर से आना। कितना बजे? 1 बजे संडे को हम लोग करेंगे पीजीबीपी। मंडे हमारी कोई रिकॉर्डेड कोई रिवीजन क्लास नहीं है, और ट्यूसडे तो फिर हमारी रिवीजन क्लास है। नया टॉपिक कल बता दूंगा। एक हमारा हमने प्लेलिस्ट बनाई है, जो प्लेलिस्ट आपको बहुत जल्दी या तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर इन सब रिवीजन क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। उसमें जो रिवीजन अभी मैं नहीं कवर कर रहा हूँ वो वहां पे आ जाएंगे। उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, आरएस मिल जाएगा, एग्रो मैंने नहीं कराया परंतु वहां मिल जाएगा, सैलरी मिल जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी मैंने नहीं कराया लेकिन वहां मिल जाएगा, पीजीबीपी मैं कल करा ही रहा हूं तो ऑब्वियसली वहां पे आ जाएगा, कैपिटल गेन मैंने नहीं कराया लेकिन वहां मिल जाएगा, आईफोस मैंने नहीं कराया लेकिन वहां मिल जाएगा, डिडक्शंस मैंने करा दिया, क्लबिंग मैंने नहीं कराया लेकिन वहां मिल जाएगा, सेट ऑफ मैंने करा ही दिया, टीडीएस मैंने करा ही दिया, टीसीएस मैंने करा दिया। इस तरीके से उस प्लेलिस्ट में कल पीजीबीपी होने के बाद इतने सारे टॉपिक्स का रिवीजन धाए 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 मिल जाएगा। जो ब्लैक वाले हैं वो आप क्लास में मेरे साथ कर चुके हो, और जो ब्लू वाले हैं वो आप वहां पे फिनिश कर लेना। इसलिए 1 दिन छोड़ के 1 दिन डाल दिए ताकि आपको टाइम मिले, आप अपना घर पे भी प्रोविजन करते रहो। तो ये अपना प्लान था, प्लान के अनुसार एग्जीक्यूटेड हो रहा है। बहुत जल्दी हम लोग वो टॉपिक्स भी उठाएंगे जो सिर्फ एंड सिर्फ फाइनल में है, ठीक है। आपकी इस रिवीजन क्लास से और क्या क्या उम्मीदें थी मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके बता देना कि सर ये हमें लगा था ऐसा हो जाएगा। पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करके बता देना कि सर ऐसा हो जाता तो और अच्छा रहता, ठीक है। दो मैंने अपनी तरफ से बड़ी ईमानदारी के साथ आपका रिवीजन कवर किया है। एक दो पेटी टॉपिक्स बाकी है, आरओआई, एडवांस स्टैट्स देख लेते हैं, यदि दरकार पड़ी तो एक क्लास और लेते, इसको भी फिनिश कर देंगे, ठीक है।